राम राम। पवन गिल व्लॉग्स मैंने देखना शुरू कर दिया था। हमने इलेक्शन के 3-4 दिन बाकी हैं और तमने एक चीज़ बताऊँ मैं, मेरे गल उम्मीदवार हैं नरेंद्र सिवाच सब तक जे बात करा सारे उम्मीदवार मोकले पीछे ले लगा का बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हम फिरने लग रहे, लेकिन नू क्या कर रहे नहीं पैदल और कला एक कला चलन लग रहा है। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई पवन। नू कुकर है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो कला नौजवान साथियों ने माता बहनों ने मेरा नमस्कार और आपके सभी दर्शकों ने नमस्कार भाई। बात यह है कला फिरन वाली कि जिस हिसाब ब्यों है उसी हिसाब तक खर्चा कर ला रहा हूँ और जितना का ब्यों था उतना कलाऊँगा, तो बढ़िया रिस्पॉन्स मिलन लाग रहा है। लोग बढ़िया मेरी बात सुन लाग रहे हैं, ना कोई जनसभा करी एक एक आदमी तें लगभग 25,000 आदमी लोगों तें एक एक तें मिला हूँ और अपनी बात समझाई अपना पर्चा दिया है और लोगों ने बढ़िया रिस्पॉन्स दिया कि मेरी बात लोगों ने समझ में आई है। जब बात करा किसानों की लड़ाई लड़ी है तने और निशान भी किसान रिश्वत दे के लिया हुआ नहीं, वो जो मेरी दिल की बात थी वह चुनाव आयोग ने भी सुनी और वह पूरी कर दी और जनता भी सुनेगी क्यों नहीं। जनता तो किसान आंदोलन में रुक के मैं रह देने बोलिया माँ में किसान के बड़कन है कल विधायक बनाओगे लग गए तेने टुवाने की जनता करेगी सका। देखिए विधायक तो जनता ने बनाना हूँ, आज बनाओ काल बनाओ परसों बनाओ ना बनाओ वह इनकी मर्जी है, लेकिन आंदोलन करना अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सबसे जरूरी है। या लड़ाई है या लड़ाई वोटा ही लड़ाई कौन थी, या तो सोचिए कौन थी मैंने चुनाव भी लड़ना है। ये तो एकदम ही दो चोर मैदान में दिखे जो से मुद्दे पर बोलने कौन थे बेरा था भाई मुद्दे पर कौन बोलने एक दूसरे ने गाले देनी ने सारा चुनाव में और सारा चुनाव में होया भी हो कि बबली परमवीर ने दो गाल दे दे परमवीर बबली ने दो गाल दे दे उस पर लोग ताड़ी बजा के नरियाँ कह दे मामने वोट दियो। मुद्दे की जो बात थी 25 लाख बेरोजगार नौजवान बैठे हैं बीए एमए पढ़े लिखे पीएचडी करे इनकी बात न कौन ठावे इस चुनाव में, ये जो भ्रष्टाचार की बात न कौन ठावे, ये चिट्टा समय के ना लाखों परिवार बर्बाद कर दिए लाखों नौजवान जो है मौत का मुंह में धकेल दिए यू मुद्दा कौन ठावे इस चुनाव में। लेकिन एक उम्मीदवार तो बेचण भी बहुत लग रहे हैं, वो बेचणगे बांडने बहुत लग रहे हैं। देखिए ये तो बांडेंगे इन लोग खून चूस रखे, ये तो जो लोग नहीं समझे नहीं और इनके पाछे लागे रहे मैं कहूँ का अपनी मौत के जिम्मेवार आपे खुद हाँ। आज ये गम्मा में मालिक शराब भी बांटने लाग रहे हैं फीम भी बांटने लाग रहे हैं चिट्टा स्मैक भी उसके बांटते हों, लेकिन यह एक बड़ी खतरनाक स्थिति है कि लोग इस चीज़ ने नहीं समझेंगे, यानी अपनी माले मौत के जिम्मेवार आपे खुद होवांगे इनका पीछे लाग के। जब बात करा जनता ने के संदेश दोगे दिन रह रहे दो संदेश तो यो ही दूंगा मैं। सबसे पहला तो हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आपसी भाईचारा बनाए रखा, जे इस चुनाव में अपना भाईचारा बिगाड़ लिया चाहे वो जाति के तौर पर हो चाहे वैसे आपस में मन मुटाव कर लिया 8 तारीख ने तो हमने ये दिखा दूंगा एक के टेबल पर कट्ठे बैठे चाह पींदे खाना खाते एक दूसरे ने बधाई दें दे गले लग दे। जे आपा ने चुनाव में अपना भाईचारा बिगाड़ लिया मन कर अपनी दो पीढ़ी नहीं बोलने यू अपना भाईचारा नहीं बिगाड़ना इनकी कोई तसली नहीं है। पहला भी आपने देख लिया रायत ने सोए जब कौन सी पार्टी में उठें जब कौन सी पार्टी में और इन खातर अपना भाईचारा ना बिगाड़ियो अपनी एकजुटता रहियो कौन सा कौन की किसने वोट देवा देन दो मना मनाई आपस में भाईचारा तो वोट मांगो लेकिन इन खातर सर ना फुड़ा लियो भाई। भाई धन्यवाद इतना कीमती समय। हाँ अगली बात मैं यह कहना चाहूँगा कि 5 तारीख का चुनाव है सच्चाई और ईमानदारी खातर वोट देना हो अपने हक खातर वोट देना हो तो वोट दे दियो मन्ना गन्ना किसान का मेरा निशान है मशीन माठ में नंबर पे और जब आपने फिर भी कि मैं रड़क रह रही हो कि ना यही कि मैं करेंगे कांग्रेस वाले कि मैं करेंगे बीजेपी वाले करेंगे वो भाई तारा से हमें ऑप्शन है, लेकिन मैं तो यह कहूँगा इन करना कुछ नहीं है ना ये तारे बाल कहीं पढ़ाई का प्रबंध करें ना ये रोजगार का प्रबंध करें ना ये दवाई का प्रबंध करें किसाना ना कनेक्शना का प्रबंध करें ये रिंगावेंगे जितना हो सके लोगों ने, लेकिन मैं तारा भाई तारा बेटा तारी खातर लड़ूंगा संघर्ष करूंगा लड़ता आया हूँ और आगे भी लड़ता रहूंगा। तो मेरी यह अपील है कि 5 तारीख ना ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मन मजबूत करियो। धन्यवाद धन्यवाद भाई तेरा भी इतना कीमती समय दिया धन्यवाद।